नदियों से ही हमारे देश की पहचान बनती है। नदी को हम माँ के रूप में जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि नदियाँ हमारे लिए एक भौतिक वस्तु नहीं है, बल्कि एक जीवंत इकाई है। स्वच्छ भारत मिशन हो या वेस्ट टू वेल्थ से जुड़े कार्यक्रम, अमृत मिशन के तहत शहरों में आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स का निर्माण हो, पर्यावरण रक्षा के भारत के प्रयास बहुआयामी रहे। यूं तो नागपुर शहर विभिन्न चीजों और ऐतिहासिक स्थानों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन नाग नदी नागपुर शहर की खास पहचान है। कभी नाग नदी न केवल शहर की शान थी, बल्कि नागरिकों की जीवनदायिनी भी थी। दुर्भाग्य से शहर के कई हिस्सों में ऐतिहासिक नाग नदी की दुर्दशा हो गई, लेकिन अब ये नहीं होगा। राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के तहत अनुमोदित नाग नदी प्रदूषण नियंत्रण परियोजना को NRCD द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। नागपुर महानगर निगम द्वारा इस परियोजना को पूर्ण किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य है नाग नदी और उसके जल की गुणवत्ता में सुधार करना, सहायक नदियों के प्रदूषण भार को कम करना और नाग नदी को सुंदर बनाना। लगभग 1927 करोड़ रुपए की लागत की इस महत्वपूर्ण परियोजना के माध्यम से शहर के उत्तरी क्षेत्रों से सीवेज के संग्रह के लिए 247.9 किलोमीटर कुल लंबाई के और मध्य क्षेत्र के लिए 211.60 किलोमीटर लंबाई के नए सीवर बनाए जाएंगे। पुराने सीवर का प्रतिस्थापन किया जाएगा। 7 नए पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके माध्यम से लगभग 1,32,000 घरों को नए सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। नाग नदी फिर से अविरल होगी, खेल खिलाकर बहने लगेगी। शहर अधिक सुंदर और स्वच्छ होगा। इस महत्वाकांक्षी उपक्रम का शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा हो रहा है। इस परियोजना के लिए हम सभी नागपुरवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सदा आभारी रहेंगे। शहर की पहचान नाग नदी को सुंदर बनाने में हम सबके प्रयास की भूमिका अहम होगी।